आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज शिव की नगरी में पधारे हैं। वाकई उत्साह उल्लास का दिन है। 9 सितंबर शनिवार को उनकी अगवानी में बड़ी तादाद में महिलाएं मंगल कलश रखकर शोभा यात्रा में शामिल हुई। हमने आपको वो दिखाया। अब पॉलिटेक्निक कॉलेज के खेल के मैदान में उनकी रामकथा आरंभ हो रही है और रामकथा आरंभ होने के पहले वे अपनी पीठ पर बैठने जा रहे हैं। वे जहां से रामकथा का वाचन करेंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। रामभद्राचार्य महाराज यहां आप देख सकते हैं, वे विराज रहे हैं और विराजने के साथ उनके नेत्र की ज्योति जा चुकी है। बचपन में ही उनके नेत्र की ज्योति जा चुकी है और उसके बाद भी वे प्रकांड विद्वान हैं। 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं रामभद्राचार्य महाराज। दिख रहे होंगे आपको स्टेज पर, वे मंच पर आसीन होने जा रहे हैं। उनके शिष्य और साथ ही सुरक्षा कर्मी भी आपको पुलिस वाले दिख रहे होंगे। यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में शनिवार 9 सितंबर 2023 को वे विराज रहे हैं और पुष्प उनके द्वारा लेकर पुष्प से पूजन किया गया। सामने जो ग्रंथ रखा हुआ है उस ग्रंथ का पूजन उनके द्वारा किया गया और ग्रंथ के पूजन के उपरांत अब वे तिलक लगा रहे हैं। विधि विधान के साथ पूजन अर्चन उनके द्वारा किया जा रहा है। उनका स्वागत अब एक के बाद एक लोगों के द्वारा किया जा रहा है। कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। धर्ममय हो गई है भगवान शिव की नगरी सिवनी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। भाग उनके द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज के खेल के मैदान में रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। उनके श्रीमुख से रामकथा बांची जा रही है और 9 सितंबर से 17 सितंबर तक रामकथा का आयोजन यहां किया जा रहा है। खचाखच भरा हुआ आपको देख सकते हैं यहां पर पंडाल। श्रद्धालु बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। रामभद्राचार्य महाराज का ये यहाँ रामकथा आरंभ होने वाली है और रामकथा में उनके द्वारा विभिन्न प्रसंगों का वाचन किया जाएगा। अब उनके द्वारा यहाँ पर रामकथा आरंभ करा दी गई है। रामकथा के लाइव भी हम आपको रविवार से दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लाइव देखना चाहें, घर बैठे ही अगर आप रामकथा का श्रवण करना चाहें रामभद्राचार्य महाराज के श्रीमुख से, क्योंकि रामभद्राचार्य महाराज के द्वारा रामकथा वास्तव में अपने आप में एक बहुत अद्भुत चीज़ मानी जाती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। बहुत सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हम आपको घर बैठे ही रामकथा का श्रवण कराएंगे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।